लाल बटन दबा के फ्री में सब्सक्राइब कीजिए XDXP चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं XDXP। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें यूट्यूब चैनल का नेम कैसे चेंज करना है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करने का क्या क्राइटेरिया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक साल के अंदर हम यूट्यूब चैनल का नेम कितने बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर है तो आपको इस वीडियो में बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगी। साथ ही इस वीडियो में एक छोटी सी टिप देने वाला हूँ जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है नए यूट्यूबर्स के लिए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन ये है कि कस्टम URL अनेबल करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया YouTube ने रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वीडियो शुरू करते हैं। YouTube अपन ओपन कर लेंगे। YouTube ओपन करने के बाद में देखिए कि यहाँ पे आपका जो चैनल का लोगो है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है योर चैनल पे। तो जैसे ही आप योर चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। उसके बाद आपके जो ये सेटिंग वाला आइकॉन दिख रहा है तो इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस आइकॉन पे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और उसके साथ ही आपको आपकी प्राइवेसी टर्म दिखाई देगी। तो उसके बाद आपको ये जो पेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। XDXP 12 के आगे में जो पेन दिखाई दे रहा है मेरे चैनल पे, तो मैं इसके आगे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैनल का नेम मेरा शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एडिट करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी खुद अपने चैनल का नेम चेंज करने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं अपने चैनल का नेम क्या कर रहा हूँ चेंज। और आप भी ये वीडियो ऐड होने के बाद में ज़रूर से चेक करिएगा नेट में सर्च करके यूट्यूब में कि मेरे चैनल का नेम सच में मैंने चेंज किया है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है यहाँ पे टेक्निकल XDXP, जो कि मेरा पहले चैनल का नेम था XDXP 12। और एक नोट भी दिखाई दे रहा है कि 3 नेम चेंजेस आर अलाउड इन 90 डेज पीरियड। तो आप अपने चैनल का नेम 90 डेज यानी 3 महीने में ओनली 3 बार चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं जो आप लिखा है लर्न मोर। तो यहाँ पे जाके आप और भी अच्छे से डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया है कि आप इसको 3 महीने में 3 बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको और एक चीज़ बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक छोटी सी टिप देने वाला हूँ जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आगे जाके। तो जिनका कस्टम URL अनेबल करने का टाइम आ गया है, यानी कि जिनका 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं और वो अभी अपना नेम चेंज करना चाहते हैं चैनल का, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप मेरी यही है कि चैनल का नेम आप पहले चेंज कर लीजिए अगर आपको चेंज करना है, देन उसके बाद में आप कस्टम URL के लिए अप्लाई कीजिए। शायद आपको होगा ये कि आप जो नया चैनल नेम चेंज किए तो कस्टम URL में आपको नए चैनल नेम के साथ आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी छोटी सी टिप थी जो आपको मैं बताना चाहता था। इसको सेव चेंज कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेंज हो चुका है मेरे चैनल का नेम। तो मेरे चैनल का नेम अभी हो चुका है XDXP 12 से चेंज हो गया टेक्निकल XDXP। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आपको भी बहुत ही सिंपल वे में इसी तरीके से चेंज करना है। तो आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि मैंने सच में लाइव नहीं किया है तो आप चैनल पे मेरे फिर से जाके देखिए कि मेरे चैनल का नेम चेंज हुआ है या नहीं, या फिर आप यूट्यूब पे फिर से सर्च कीजिए टेक्निकल XDXP और देखिए मेरा लोगो यही दिखता है या नहीं, तो आपको फुल प्रूफ हो जाएगा कि मैंने लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपको बताने की यहाँ पे कोशिश किया हो कि हमें यूट्यूब चैनल का नेम कैसे चेंज करना है। आप जाके देखिए यूट्यूब पे दूसरे चैनल के वीडियोस, तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा सिंपल किसी और यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होंगी यूट्यूब से रिलेटेड या फिर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन।